हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार यार आजकल पांडा मॉस प्रो में बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई नहीं, जब तक दुख है तब तक मैं हूँ ना। चला जा। ऐसे आज की इस वीडियो में माउस के 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। बाबा माउस नॉट वर्क इन मोबाइल प्रॉब्लम। बाबा माउस कर्सर ब्लैक टू व्हाइट प्रॉब्लम। बाबा माउस 360 रोटेशन प्रॉब्लम। बाबा हाउ टू स्कोप एंड फायर विथ माउस। बाबा माउस जॉयस्टिक प्रॉब्लम एंड हाउ टू सब्सक्राइब ऑल इन वन आइडियाज चैनल। अरे सो गाइस, अभी ओनली 16% बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बाकी के 83% अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सो प्लीज माउस नॉट वर्क ऑन मोबाइल फोन प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन मेरे पास अभी 2 है और मैं दोनों सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों का माउस जो भी वर्क नहीं कर रहा है वो कैसे इसमें कनेक्ट कर सकते हो, वो भी कीबोर्ड के साथ दोनों सेम टाइम में। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को आपका जो कीबोर्ड एंड माउस जो कनेक्ट किया था उसमें से आप लोगों को इसको पोर्ट को चेंज कर देना है, मतलब जहाँ में आप लोगों ने कनेक्ट किया उसको चेंज करके ऊपर नीचे कर देना है। एंड फिर भी अगर कनेक्ट ना हो तो एक बार उसको डिसकनेक्ट करना है और माउस या कीबोर्ड आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ को डिसकनेक्ट करो एंड फिर से कनेक्ट कर दो। ओके, एंड जैसे आप लोग कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका दोनों सेम टाइम में वर्क करने लगता है। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रिक। बट अब दूसरी ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अपने माउस का जो पोर्ट है उसको ले लेना है और यहाँ पे आप लोगों को इसमें देखो ये 4 पिन होता है, वो 4 पिन USB 4 पोर्ट के 4 पिन से कनेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को माउस का जो पोर्ट है उसको हल्का सा दबा देना है और साथ में बेल आइकन को भी दबा के ऑल पर कर देना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इसको जब दबा दोगे तो ये इसमें परफेक्टली 4 पोर्ट में बैठ जाएगा और कनेक्ट हो पाएगा, जिससे आप लोगों का माउस में परफेक्टली लाइट आ जाएगा और आपका माउस वर्क करने लगेगा। माउस का कर्सर ब्लैक से वाइट कैसे करें, इसके लिए भी एकदम सिंपल ट्रिक है। ओनली अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो माउस कीबोर्ड कनेक्टेड है बट यहाँ पे कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो कीबोर्ड वर्क करने के लिए बस सेम प्रोसेस है, जैसे ही माउस कनेक्ट नहीं हो रहा था वैसे ही आप लोगों को कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लेना है। जैसे अभी देखो मैंने दूसरे पोर्ट में लगाया, ये अभी वर्क नहीं कर रहा था, यहाँ से निकाल के मैं फिर से पोर्ट चेंज करूँगा। जब आपका माउस एंड कीबोर्ड दोनों सेम टाइम कनेक्ट हो जाएगा तो 100% आपका जो माउस का कर्सर है वो ब्लैक से वाइट हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा माउस का कर्सर है वो वाइट हो चुका है। अब माउस को हम 360 कैसे घुमाएं, इसके लिए आप लोगों को पांडा माउस प्रो के आइकन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद एक की को यहाँ पे ऐड करना है जिसका नाम है SIGHT। आप लोग इस की का नाम अपनी तरफ से 360 रोटेशन की भी कह सकते हो। जब आपका ये की मैप नहीं होगा तो आपके फ़ोन में 360 वर्क नहीं करेगा। ओके, तो आपको इस की को तो ऐड करना ही करना है एंड जैसे आप लोग इस की को आप ऐड करते हो उसके बाद अब ये 360 वर्क कैसे करेगा, इसके लिए आप लोगों को पांडे पे क्लिक करना है एंड उसके सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर देखो माउस 2 लिखा हुआ है शूट मोड शॉर्टकट में। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग इस स्क्रीन पे एक माउस शो हो रहा होगा, तो अभी आप लोग देखो कि माउस का जो लेफ्ट साइड वाला बटन है उसको हम लोग माउस 1 कहते हैं और माउस का जो राइट साइड वाला बटन है उसको हम लोग माउस 2 कहते हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि शूट मोड शॉर्टकट में माउस 2 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि आप लोग जब माउस 2 को प्रेस करते हो तब आपका जो माउस है वो 360 में चला जाता है। तो अभी मैं यहाँ से प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप लोग हैंड कैम में देखो तो मैं माउस 2 को प्रेस करने वाला हूँ, तो जैसे मैंने माउस 2 को प्रेस किया वैसे ही मेरा माउस का कर्सर हाइट हो गया एंड साथ ही में मेरा 360 वर्क कर रहा है। एंड जैसे मैं फिर से प्रेस कर रहा हूँ तो माउस का कर्सर ये फिर से आ जा रहा है, मतलब शो हो रहा है। तो माउस 360 रोटेशन का यही की मैपिंग है। अगर आप लोग भी इस की मैपिंग को समझ लेते हो और इस की मैपिंग को करते हो तो आपका माउस में जो 360 प्रॉब्लम है वो 110% सॉल्व हो जाएगा।
वही अगर कीबोर्ड से एक चाहते हो कि 360 रोटेशन करना तो वेरी सिंपल। अच्छा हमको सिखा रहा है। बस आपकी पांडा की सेटिंग में जाना है एंड वहाँ पे आप लोगों को शूट मोड शॉर्टकट जिसमें माउस 2 है बस उसमें आप लोगों को कीबोर्ड का की मैप कर देना है। जैसे अभी एंटर एक की तो यहाँ पे आप लोग एक की को एंटर करोगे कीबोर्ड वाला तो वो कीबोर्ड का की यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके एंड जैसे आप लोग अब यहाँ से जो की ऐड किया था उसी की को जब प्रेस करोगे तो आपका माउस कर्सर हाइड हो जाएगा और 360 वर्क करेगा एंड आप जैसे उसी बटन को प्रेस करते हो ये शो भी हो जाएगा। ओके तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे माउस 2 एकदम खाली है, फ्री है, तो इसके लिए आप लोगों को ओनली फॉर इसका यूज आप लोग स्कोप के लिए करो या फिर ग्लू वॉल के लिए करो। ओके तो मैं यहाँ पे अभी स्कोप के लिए करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी एक की को लिया और यहाँ पे मैंने स्कोप पे रखा और यहाँ पे मैं माउस 2 को प्रेस कर रहा हूँ यानी माउस का राइट साइड वाला बटन। जैसे मैंने क्लिक किया अब यहाँ पर देखो माउस का जो राइट साइड का बटन है माउस 2 उससे मेरा स्कोप का इजीली वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं माउस 2 प्रेस कर रहा हूँ स्कोप इन हो रहा है। इसी तरीके से आप लोग इजीली माउस 2 को खाली करके आप लोग ओनली फॉर इसका यूज इसके लिए स्कोप के लिए या फिर अपने ग्लूवल के लिए कर सकते हो या आपका जो की मैप अगर करना चाहे वो आप लोग माउस 2 से कर सकते हो। लास्ट जॉयस्टिक प्रॉब्लम, तो बहुत सारे बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि यार मैं माउस से ही जॉयस्टिक को कंट्रोल कर लेता हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो इसका ये सलूशन कि अभी जो आप लोग देख सकते हो जो कि आप लोगों ने SIGHT की मैप किया था ये उसी का कमाल है। बस इसी से आप लोग मतलब ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग देखो कि इसको मैंने अपने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो अब यहाँ पर देखो जैसे मैं माउस का कर्सर हाइड करता हूँ एंड जैसे ये 360 में जाता है तो यहाँ पे जो ये वर्क किया था मतलब जहाँ पे मैंने की मैप किया वहाँ पे वो टैप हो जाता है और टैप होने के कारण जब आप माउस को ड्रैग करते हो तो टैप की वजह से ही वह 360 वर्क नहीं करता और जॉयस्टिक पे पूरा फुल फोकस चला जाता है और जॉयस्टिक वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जब हाइड करते हो तो यहाँ पे आपका ये टैप करता है। अभी आप लोग यहाँ पर देखो जब मैंने इसको हाइड किया तो जहाँ पर मैंने की मैप रखा था SIGHT वहाँ पे ये टैप करता है। अब देखो यहाँ मैंने हटा दिया तो मेरा जॉयस्टिक है वो वहीं पे चला गया और यहाँ पे फायर बटन इसीलिए फायर कर रहा है तो वहीं पे ये टैप हो रहा है। तो इसीलिए इसका सलूशन ये है कि आपको SIGHT जो बटन है उसको अपने राइट साइड में रखो जहाँ पर आपका कोई भी की ना हो। जब आप लोग माउस का कर्सर जब हाइड करते हो तब यहाँ पे आपका ये टैप करता है तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। इसीलिए आपको इसको एकदम राइट साइड में एकदम खाली जगह पे रखना है। ओके एंड जैसे आप लोग इसको एकदम खाली जगह पे रखते हो तो यहाँ पे आप लोगों का ये माउस का कर्सर हाइड भी हो जाएगा, 360 वर्क करेगा और साथ में ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। ओके उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाओगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं उसे गेम प्ले किया करता हूँ। साथ ही में आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन करो क्योंकि जब डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करोगे मैं आप लोगों से बातें भी किया करता हूँ, जब मैं फ्री रहता हूँ तब आप लोगों से बात किया करता हूँ और उस पर भी आप लोगों को सोल्यूशन बताया करता हूँ। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए।